तो रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान चैंबर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कॉपियां भी भेंट की हैं। तो बता दें कि ये कॉपियां जरूरतमंद बच्चों को बांटी जाएंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि व्यापार और उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हैं, इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भी बेहतर हुई है, शहर से लेकर गाँव तक विकास का दायरा बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों के ग्राहकों की जेब में पैसा डालने का कार्य किया गया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जमीन की मांग की थी, जिससे छोटे व्यापारियों को भी रोजगार सरलता से मुहैया हो सके, जो मांग मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी है। मंच व्यवस्था टीम, सभी से निवेदन है, राजधानी में हमने कॉरिडोर की है और जिसमें 500 एकड़ से अधिक जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी उसमें कोई कमी यहाँ नहीं देंगे। एक महीने के अंदर में जो डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंट जो धंधा है वो भी काम हो जाएगा, 3-4 महीने के अंदर में निर्माण हो जाएगा। तो देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक कॉरिडोर होगा, उसका लाभ पूरे प्रदेश के व्यापारियों को होगा और लोगों को। शहर में जमीन है उसको बड़े दिल करके पार्किंग के लिए दे, उसको अन्य उपयोग के लिए दे, ये लोग भी मार्केट बना दे रहे, तो पार्किंग कहां से आएगी? जो 75 साल से लोग व्यापार कर रहे हैं, 12 लाख व्यापारी मतलब 48 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं साथ, ऑनलाइन माल आ रहा है, तो ये जो छोटे व्यापारी हमारे 12 लाख वो कहां जाएंगे? तो इसमें आपका संरक्षण चाहिए। वो आज एक आपके पास से ये भी अगर निर्णय आ जाएगा तो प्रदेश में ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जहां हमारे